नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शुक्रवार 19 नवंबर को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट एवं महिला कांग्रेस द्वारा भारत की आयरन लेडी भारत रत्न भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती नगर मुख्यालय सिद्ध बालक छात्रावास में बच्चों के बीच और अंजुमन शादी हॉल में मनाई गई। इस अवसर पर इंदिरा को याद करते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा के साथ केक काटकर बच्चों के बीच मिठाई एवं पुलाव वितरित किया गया। इस अवसर पर इंदिरा जी की संघर्षशील जीवनी पर सभी अतिथियों ने प्रकाश डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपनी जान तक दे दी। बांग्लादेश को आजादी दिलाकर उन्होंने संपूर्ण विश्व के सामने भारत की शक्ति को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति की मिसाल थी। संपूर्ण विश्व में उनके जैसी कोई महिला नेत्री न हुई है न होंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले, अल्लाह रखा रचना लिल्हारे, जुबैदा अंसारी एवं महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती सानू रॉय सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। ऐसे लगता है बाटली में फोटो खींचने। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। फिर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका परिचय देंगे। श्रीमती जुबैदा अंसारी जी, बताएंगे। महिला कांग्रेस की तरफ से आज जो हमारी प्रथम प्रधानमंत्री लेडी जिनको आर्यन लेडी के नाम से पूरा विश्व जानता है, उनका जन्म दिवस के अवसर पर आज हमें बच्चों के साथ में अंजुमन उर्दू स्कूल में केक काट के फल वितरण करके अनेक प्रोग्राम करके कार्यक्रम करके यह प्रोग्राम आयोजित किए। क्या संदेश देना चाहेंगे जयंती के उपलक्ष्य? संदेश देना चाहते हैं लड़कियों को, जिस तरह हमारी लेडी आयरन जो एक महान के रूप में जानी जाती है, जो महिला होने के बाद में तो उन्हीं के स्पर्श से वो आगे बढ़े, उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़े, इसी के लिए हम लोग ने आज स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। किसके तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जब आजाद हुआ हमारा 1947 के बाद, तो देश की आजादी के बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव हासिल हुआ वो हमारे इंदिरा गांधी जी को हासिल हुआ था। और वो ऐसी एक नेत्री थी इतिहास में, और आप लोगों को भी पढ़ाया जाता है इंदिरा जी के लिए बोल्ड लेडी। विपक्ष के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने संसद के अंदर संबोधित किया कि देश में जो प्रधानमंत्री अभी बनी हुई है इंदिरा गांधी जी, वो दुर्गा माता का अवतार है, दुर्गा जी का अवतार है, जिनके फैसले लेने में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो फैसला नहीं ले पाते, क्विक फैसला लेने में उनका नाम जोड़ा जाता था। समस्त देवी तुल्य कांग्रेस की सभी नेत्रियाँ, पंचवानी भाभी और समस्त मेरे कांग्रेस के साथियों, और इस छात्रावास में जो शिक्षण ग्रहण करे सभी बच्चे और यहाँ के टीचर्स, मैं सभी को इंदिरा जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंदिरा जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इनको लेडी आयरन लेडी के नाम जाना था और दुर्गा का अवतार माना जाता था। इन्होंने अभी हमारे अल्लाह रखा जी ने बहुत कुछ चीज़ बता दी इंदिरा जी के बारे में। आज जो भी है ये कांग्रेस शासन काल में ही सब कुछ इन्होंने निर्माण किया है, लेकिन आप देखिए जो निजीकरण का दौर है, अगर आज बच्चे आप यहाँ पढ़ भी रहे हो तो आप लोगों को ये भरोसा नहीं कि नौकरी कहीं मिल जाएगी, क्योंकि निजीकरण के दौर में नौकरी मिलना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि चंद लोगों के साथ में देश की सारी संपत्तियाँ बेच दी जा रही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यवसाय बिजनेस और अपने सर लोगों से ये भी शिक्षा ले कि इस निजीकरण को अपन समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे, स्कूल के बच्चे ही बचपन से ही आदमी नेता बनता है, खिलाड़ी बनता है, टीचर बनता है,
महापुरुष बनता है, तो बस आप ही देश का भविष्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूं। सभी मंचा से आपका बहुत बहुत, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी, यहाँ आपने बच्चों के लिए छात्रावास में जयंती आप लोगों ने मनाई, और बच्चों को अभी जैसे हमने अभी पूछा था, क्या नाम है बेटा आपका? शुभम। इतने बच्चों में इस बच्चे ने जवाब दिया था, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है, हमारी महिला प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी की आज जयंती है, और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप लोग सभी लोग जैसे भैया बताए हैं कि उन्होंने उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उनको आयरन लेडी कहा जाता था, आयरन लेडी यूँ ही नहीं कहा जाता था, वो ऐसी महिला थी जो एक पुरुष भी जो अपने दम पर जो निर्णय नहीं ले सकते थे, वो एक बार में एक ही बार में और बहुत बड़े बड़े उन्होंने निर्णय लिए, जैसे कि बांग्लादेश, भैया ने बताया बांग्लादेश में अलग निर्माण करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने बैंकों का भी निजीकरण किया था, ऐसे उन्होंने बहुत राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने, जैसे कि अभी आज ही के दिन, और ये बधाई भी देना चाहूँगी किसानों को, और जिन जिन ने आंदोलन में उनमें कृषि आंदोलन में जिनने पार्टिसिपेट किया था, अहम भूमिका निभाई थी, आज ही के दिन उनके कृषि कानून, तीन कृषि कानून थे जो आज ही के दिन वापस हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों ने कृषि आंदोलन के लिए जो भूमिकाएं निभाई थी। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि वो महिला ऐसे ही नहीं आगे बढ़ी थी, उनको भी उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, आज बच्चे जब वो छोटी थी तब से ही उन्होंने ये कार्य करना चालू कर दिया था, अपने स्टैंड वो फौरन तुरंत लेती थी, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। हमारी महिला कांग्रेस भी, शानू दीदी, बुधवानी दीदी, ये महिलाएं आई हैं, जुबेदा दीदी, सुमन दीदी, नीतू दीदी, भैया और आप सब भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका बहुत बहुत, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी, यहाँ आपने बच्चों के लिए छात्रावास में ये जयंती आप लोगों ने मनाई, और बच्चों को अभी जैसे हमने अभी पूछा था, क्या नाम है बेटा आपका? शुभम। इतने बच्चों में बच्चे ने जवाब दिया था, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है, हमारी महिला प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी की आज जयंती है, और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप लोग सभी लोग जैसे भैया बताए हैं कि उन्होंने उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उनको आयरन लेडी कहा जाता था, आयरन लेडी यूँ ही नहीं कहा जाता था, वो ऐसी महिला थी जो एक पुरुष भी जो अपने दम पर जो निर्णय नहीं ले सकते थे, वो एक बार में एक ही बार में और बहुत बड़े बड़े उन्होंने निर्णय लिए, जैसे कि बांग्लादेश, भैया ने बताया बांग्लादेश में अलग निर्माण करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने बैंकों का भी निजीकरण किया था, ऐसे उन्होंने बहुत राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने, जैसे कि अभी आज ही के दिन, और ये बधाई भी देना चाहूँगी किसानों को, और जिन जिन ने आंदोलन में उनमें कृषि आंदोलन में जिनने पार्टिसिपेट किया था, अहम भूमिका निभाई थी, आज ही के दिन उनके कृषि कानून, तीन कृषि कानून थे जो आज ही के दिन वापस हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों ने कृषि आंदोलन के लिए जो भूमिकाएं निभाई थी। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि वो महिला ऐसे ही नहीं आगे बढ़ी थी, उनको भी उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, आज बच्चे जब वो छोटी थी तब से ही उन्होंने ये कार्य करना चालू कर दिया था, अपने स्टैंड वो फौरन तुरंत लेती थी, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। हमारी महिला कांग्रेस भी, शानू दीदी, बुधवानी दीदी, ये महिलाएं आई हैं, जुबेदा दीदी, सुमन दीदी, नीतू दीदी, भैया और आप सब भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।